Assalamu alaikum guys, I hope you're all doing very well. So welcome back to the new vlog, vlog with Nabia. सीन इज एट के आज हम ये मेरा मिनी व्लॉग है, इतना कोई बड़ा व्लॉग होगा नहीं क्योंकि आपको पता है मेरे पास कोई रूटीन नहीं है शेयर करने को, वही मेरी रूटीन है। तो मैंने सोचा कि आज हम लोग बनाते हैं कॉफी और बनानी नहीं आती कॉफी, और मैं इसके लिए देखें रिबन लेकर नहीं मैं इसके बालों में लगाऊंगी यहाँ पे कॉफी मुझे बनानी नहीं आती, तो कसारी का जो है मुझे आज कॉफी बनाकर सिखाएंगी। गाइस सारिका को आप अनसब्सक्राइब कर दें, जिसको चाइनीज बना रहे हो उससे गाजर कटवा। तो खैर भैया मुद्दे पे आते हैं कि हमने बनाना है आज नेस्कैफे से कॉफी। मुझे बनानी आती गर्म पानी वाली जो चूल्हे पे बनती है, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि मेल्ट वाली भी एक कॉफी बनती है, तो हमने वो बनानी है। तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ ले लिया हमने एक छोटा सा कप, अब इसके अंदर मुझे ऐड करनी है शुगर और दो कॉफी, और क्या ऐड करना था, दूध। हमें ये इसके अंदर मिक्स करके इसको मेल्ट करनी है अच्छे से, और फिर इसका कलर चेंज करना होता है यार, मतलब इतनी मेहनत से बनेगी बहुत अच्छी कॉफी। तो चलते हैं कॉफी बनाने। ओके अच्छा यार, तो हमने सबसे पहले ये शुगर डालनी है इसके अंदर एक चम्मच, शुगर के बाद भाई सबको पता ही होगा ये नया है, मैं ही बता रही हूँ क्योंकि मुझे ही नहीं आती बनानी, आती है यार मुझे, मतलब नहीं गरम गरम दूध में और सिर्फ कॉफ़ी के साथ डाल दो और बस उसको, समझ रहे हो ना, वो वाली आती है मुझे। खैर आज मैं बहुत अच्छी यमी कॉफ़ी बनाने की ट्राई करूँगी, अल्लाह करे अच्छी बन जाए। उसके बाद मैंने लिया ये भर के एक चम्मच दूध, और ये मैंने इसके अंदर डाला, और ये मैंने स्ट्रॉन्ग, मैं मुझे लगा था ये एक गलेगी, बहुत कंजूसी करती हूँ मैं। हाँ हाँ है, मैं बताती हूँ, लोलैन का नहीं होगा मैम, नहीं देखें यहाँ पे ऑयल रखा हुआ होगा। मटेरियल मैंने सब रेडी कर लिया है, मतलब रेडी नहीं किया है अभी, इसको सिर्फ इसके अंदर ऐड किया है। इसके अंदर शुगर और मिल्क और कॉफ़ी है 2 sachets। अब इसको जो है मुझे 2 या 3 drops शायद पानी डलते हैं, तो उसको अच्छे से मेल्ट करना है जब तक इसका चॉकलेट कलर से कैरामल कलर ना आ जाए। आपको पता है, मुझे नहीं पता ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कॉफ़ी का मैंने मटेरियल रेडी कर लिया और इसके अंदर पानी भी डाल लिया, और इसकी मतलब टेक्स्चर जो है बहुत थिक है, लेकिन इसको मेल्ट करना बहुत यार मतलब अच्छी कॉफी के लिए मेहनत करना जरूरी है, और इसको बहुत मेल्ट करना पड़ता है। ये हालत हो जाएगी मेरी तो। अभी भी इसका ये कलर है, और अभी भी हमें कैरेमल कलर चाहिए, मतलब और मजीद इसको फेंटते ही रहना है। सारिका को बुलाया है कि आप देखेंगे मैंने ये इसे और करो ताकि ये किसका कलर है। हाँ तो मैं फेंट रही थी ना, मेरे हाथ में इतना दर्द हो गया, अल्लाह हाथ लाल हो गए मेरे, ये तो और होगा, ये देखें अभी तो हुई नहीं है। पानी मैंने बिल्कुल सही डाला है ना,
few moments later. माफ करिए मुझे कुछ 6-7 मिनट हो गए इस कॉफी को करते करते, मेरा हाथ चेक करें आप, इतना शदीद किस्म का लाल हो चुका है, लेकिन इसका कलर अभी तक कैरेमल नहीं आया है। अल्लाह, मतलब एक अच्छी कॉफी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है यार। शुक्र है मुझे चाय और कॉफी की आदत नहीं है। ये भी मेरा दिल कर रहा था, मतलब एक शशका टाइप, तो मैंने सोचा मैं ट्राई कर लूँ, मुझे नहीं पता था इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई कॉफ़ी इतनी देर हमने बीट की, सारिका ने भी की, मैंने भी की, अभी तक वो कलर ही नहीं आया। उसके बाद अभी हमने थोड़ा सा इसके अंदर मिल्क ऐड किया, शायद बेचारा वो कलर आ जाए। मैं भी इसमें जान लगा के कितनी चीज़ें भर चुकी हैं, मुझे लग रहा है मैंने इसके अंदर 2 डाली है, इसकी वजह से कलर नहीं आ रहा है, स्ट्रांग हो गई है बहुत ज़्यादा। मैंने सारिका ने पीक करके देख लिया, लेकिन हमसे हुई नहीं, अभी तक वो कलर ही नहीं आ रहा है बेचारी। फिर मैंने बोला कि लाइबा की ड्यूटी लगाते हैं कि इसको बीट करें, जितना सूखा इंसान होता ना उतनी ताकत होती है उसके अंदर। मेरे हाथ लाल हो गए, अभी तक कॉफी बीट नहीं हो पाई, कलर ही नहीं आ रहा वो वाला। आने वाला वो कलर ना इधर नहीं आता, वो ना बीकर से आता है, आपको पता है कहाँ बैठी है आप? यार मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसके अंदर 2 साशे डाल दिए ना, इस वजह से नहीं आया, स्ट्रांग बन गई होगी शायद। नहीं लेकिन क्या खराब हो रही है क्या? देखा मैं बोल रही थी ना इसके अंदर 2, मतलब सारिका को आता नहीं है, सारिका ने बिला वजह का बोल दिया कि इसमें 1 साशा डलेगा। मैंने बना के दी थी आपको। अच्छा वो दूसरी थी, वो खुली हुई थी, ये पैकेट वाली है। यार ये भी मैं फेंकू, मैं कब से बीट कर रही हूँ उसको। यार ये फेंकू, मैं बना के दे रही हूँ ना तुम्हें, ये फेंको, तुम्हें नहीं आती बनाए। अच्छा पहले मेरी बनाओ, चलो हटो याला पानी, पहले फेंकू मैं। इतना पानी सही है? दूध मैं पहले ही 2 चम्मच डाल चुकी हूँ उसके अंदर। ये ऐसे दूध डालना था? हाँ तो तुमने घोल दिया होगा ऊपर से। मैंने तो उसके अंदर डाले, सारिका ने मुझे जैसे बोला ना मैंने वैसी बनाई है। तुम कहाँ थी इतनी देर? हद हो गई। ऐसे बनती है? ओह माय गॉश, गर्म पानी डालना ना। हाँ ओ ठंडा पानी। चीनी भी 1 चम्मच डालिया, जिसने ना पूरा बंद कर दिया। अबे यार ये नहीं बोलो, पहली बार बना रही थी मैं, आपको पता है हमें ना देसी तरीके से बनानी पड़ेगी। यार ये नहीं करो, मैं कुछ इंग्लिश कॉफी बनाना चाह रही थी, आपकी वजह से कंज्यूमर बन गया उसका। झाग तो नजर ही नहीं आ रही, ये तो चाय बन गई। यार एक मिनट, तुम और खराब कर दोगे। तुमने खराब कर तो दिए, तुम उसकी बना देते सिर्फ 1 कप। अल्लाह रुक तो जाओ, ये तुमने कट कलर तो देख लो, जागदा तुम इसमें डाल दो, कहां से आएगी? ओ भाई अल्लाह पाक बस झाग आ जाए इतनी मेहनत के बाद। ये 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 बेबी ये। यार ये झांग क्यों नहीं आ रही है? झांग यार ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम इतनी देर में नहीं आती ना। तुम लोगों ने ना मैं पता नहीं क्या खराब कर दिया, सारी का खुद नहीं आती। उस दिन उसने मुझे खुली हुई वाली कॉफी बनाई थी, ये चाय लग रही है मुझे, चाय पियो, चीनी चेक करो। जब हम इसको ट्राई करने वाले हैं, मतलब पूरा आधा घंटा मेहनत करने के बाद पतली कॉफी। ये पानी कितना ज्यादा दिल गया, बिल भर कर मैं जाऊं, ये जा रही है 0। इतनी बुरी, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ है। मैं सोचूं इसके अंदर पानी डाल के देखूं, ये लाइबा की कॉफी थी, लाइबा बाहर गई है, लेकिन कॉफी का बेड़ा गर्क हो गया है। अब शायद ये अच्छी नहीं बनी, तो क्या पता ये अच्छी बन जाए, स्ट्रांग बन जाए। ये कॉफी करने के चक्कर में इतनी गंद, ये देखें आप इसका कलर, वो थोड़ी पतली हो गई थी। ये वाली पी लेगी, हाँ अपनी वाली पी लो, कब चेक करो। ये सब इनकी वजह से हुआ है। जब मैं ट्रांसफर करूँगी ना इसको, जो वीडियो बनाएगी। हाँ चलो भाई, कॉफ़ी गर्म है अभी, ये ट्राई करके देखते हैं। ये फिर थोड़ी अच्छी बनी है, स्ट्रॉन्ग।
तो देखा आप लोगों ने कितनी जिद्दोजहद की मैंने एक कॉफ़ी बनाने के लिए, मतलब मैंने सारिका को भी बुलाया, लाइवा को भी बुलाया, इतनी बीट करी हम करी हमने कॉफ़ी, तब जाके ये कॉफ़ी बनी है। मतलब वो कॉफ़ी तो बनी नहीं ना जो मैं चाह रही थी, झाग वाली, झाग तो इसमें आई नहीं। मेरी एक स्टाफ की लड़की है, वो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है, मतलब झाग वाली मज़ा आ जाता है। मैंने नहीं बनानी अब कॉफ़ी, वो वाली सही है कि गर्म दूध में कॉफ़ी का सैशेट डालो, उसमें ही आप कॉफ़ी बना के पी लो, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और आप कॉफ़ी भी पी लोगे। तो यार ये था आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपको कॉफ़ी बनाना सिखाई। आपको तो अच्छी आती होगी मुझसे, बल्कि मैंने कॉफ़ी बनाना सीखी और वो भी किसी काम की नहीं। तो इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का दी एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।